आज हम बात करते हैं कोल ड्रग्स एंड एंटी कोलिन एस्ट्रेस एंटी कोलर्जिक ड्रग्स नंबर वन कोल ड्रग्स जो ये कोल ड्रग हैं इनकी जो एक्शन है सिमिलर टू एसीटाइल कोलिन जो एक्शन होगी वो सिमिलर होगी टू एसिटाइल कोलिन ये किससे जाके वाइंड होंगे मस्करेनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर एक बार फिर से समझिएगा ये जो ड्रग हैं इनकी एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन क्या है पैरासिम्पैथोमेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर और ये किस रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगे मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन में नंबर वन कोलिन एस्टर जिसमें एसीटाइल कोलिन मैथाकोलिन नंबर टू एकेट मस्करीन, पीलोकार्पिन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबसे पहले जो ड्रग है वो बाइंड होगा रिसेप्टर से रिसेप्टर इसमें हम पहले ही बता दिए थे मस्किनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर तो जो ड्रग है बाइंड टू मस्करेनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर आफ्टर दैट सो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अब हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करते हैं नंबर वन हर्ट तो ये हर्ट रेट को क्या करेगा डिक्रीज कर देता है ये जो ड्रग हैं हर्ट रेट को डिक्रीज करेंगे और नंबर टू ब्लड वेसल्स तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें डायलेट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और नंबर थ्री स्मूथ मसल्स जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं या हम कह सकते हैं फ्री स्टालसिस मूवमेंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अब नंबर फोर रेस्पायरेटरी जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में इनका क्या अफेक्ट पड़ता है हम उनकी बात करते हैं जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं या फिर ब्रोंको को हो जाता है कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी या फिर ब्रोंको को हो जाएगा अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे जैसे कि स्वेटिंग सेलिवेशन लेक्रिमेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन अब हम बात करते हैं आई इसमें मायोसिस हो जाता है मायोसिस मतलब जो आँखों की पुतली होती है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है रिडक्शन ऑफ किसमें पुतली का रिडक्शन हो जाता है छोटी हो जाती है सिकुड़कर अब और रिडक्शन इन इंट्राओकुलर टेंशन, जो आँखों का प्रेशर होता है या फिर इंट्राकुलर टेंशन होती है वो कम हो जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है टेन टू ट्वेंटी वन नॉर्मल होता है ट्वेंटी वन टेन टू ट्वेंटी वन नहीं देखेंगे जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है ट्वेंटी वन होने चाहिए अगर ये इनक्रीज हो जाता है तो ग्लाइकोमा जैसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें जो देखा गया है इंट्राकुलर जो टेंशन है वो कम हो जाती है या फिर जो इंट्राओकुलर प्रेशर हो है वो कम हो जाता है और जो स्केलेटल मसल्स में देखा गया है आइनोट्रोफिक अफेक्ट अब हम बात करते हैं इन ड्रगों का आ, किस ड्रग के साथ इंट्रैक्शन है तो इसका जो इंट्रैक्शन है एट्रोपिन मतलब कि ये जो कोल ड्रग हैं वो एट्रोपिन ड्रग के साथ नहीं दिए जाते हैं क्योंकि एट्रोपिन का इनके साथ इंट्रैक्शन है ये इंट्रैक्ट कर जाते हैं और टॉक्सिक अफेक्ट शो करते हैं अब हम इनके यूज़ की बात करें तो बहुत रेयरली ये यूज होते हैं अब हम बात करते हैं एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग जो एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग हैं वो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिस को नहीं होने देते हैं मतलब कि इनिबेट करते इनिबेट करते हैं हाइड्रोलिस ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर इनिवेट करते हैं एक्शन ऑफ कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम तो दो बातें याद रखना है नंबर वन इनिवेट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन और नंबर टू इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सिमिलर सिमिलर होगा टू ड्रग ड्रग एनर्जी जो ड्रग हैं उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम है इनका भी सेम रहेगा मतलब कि जो हम बताए थे फार्माकोलॉजिकल एक्शन नंबर वन हार्ट रेट को वो क्या कर रहा था डिक्रीज़ कर रहा था तो ये जो ड्रग हैं हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे और जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें डायलेट करेंगे और जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है इनक्रीज करेंगे ब्रोंको स्पाज्म करेंगे जो गलैंड हैं उनके सिक्रेशन को इनक्रीज करेंगे और उसके बाद आई में जो इंट्राकुलर प्रेशर है उसे डिक्रीज करेंगे और मायोसिस करेंगे मतलब कि इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है सिमिलर टू uh, कोलर्जिक ड्रग्स और ये जो एंटी जो कोल एनर्जिक ड्रग हैं ये एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को प्रीवेंट करते हैं जिससे कि जो एसिटाइल कोलिन है अपना हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्स या फिर थेरापेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सके उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो हंड्रेड परसेंट आ सके अगर हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन तो ये अपना थैरापेटिक रिस्पांस या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं कर पाएगा इसलिए ये जो ड्रग हैं हाइड्रोलिस को जो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है उसे प्रिवेंट कर देंगे हम बात कर लिए थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की पहले ही जो सिमिलर है जो कोल इनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजो इस्टिगमानाइन न्यू स्टिगमाइन ये ड्रग सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मकैनिज्म ऑफ एक्शन पहले ही मैं बता दिया था ये जो ड्रग हैं इनिवेट करेंगे कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम एंड इनिवेट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन और जो इनके यूज की बात करें तो ग्रेव्स एल्जाइमर डिजीज एंटी कोलोनजिक ड्रग जो एंटी कोल इनर्जिक ड्रग ये जो ड्रग हैं कोल इनर्जिक जो ड्रग हैं उनके अगेंस्ट में हैं ये इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ कोलिन कोलोनजिक ड्रग या फिर एसिटाइल कोलिन तो ये जो क्या ये जो ड्रग हैं ये क्या करेंगे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसीटाइलकोलिन एंड इनिबेट करेंगे एक्शन ऑफ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर तो जो ये कोलिजिक ड्रग क्या कर रहे थे या फिर एसिटाइल टाइलकोलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो एसिटाइल टाइलकोलिन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रीजिंग हार्ट रेट इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल मूमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इन रेस्पायरेटरी सिस्टम ये क्या कर देता था ड्रोंको कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रोंको इस्पाज एंड डिक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर और जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन को क्या कर रहा था इनक्रीज तो यहाँ पर जो एंटी कोलोनजिक ड्रग हैं ये ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन जिसकी वजह से जब ब्लॉक हो जाएगा एक, जो एसिटाइल कोलिन की एक्शन है ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट एंड डिक्रीज हो जाएगा इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड ड्रोंग को डायलेशन हो जाएगा और जो आपके ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो रहा था जैसे कि सेलीबेसन या गैस्ट्रिक सिक्रेशन ये डिक्रीज हो जाएंगे और इनक्रीज हो जाएगा इंट्राओकुलर प्रेशर तो याद रखना है ये जो एंटी कोलर्जिक ड्रग हैं वो इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर एक्शन ऑफ मस्करेनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर या फिर एक बात याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना है ये जो एंटी कोलनजिक ड्रग हैं इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन एंड ब्लॉक एक्शन ऑफ रिसेप्टर निकोटिनिक एंड मस्करेनिक ठीक है ये बात याद रख लेना है ये जो एंटी एंटीकोनिक ड्रग हैं ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनके यूजेस की हम बात करें तो ये अस्थमा में ये जो ड्रग यूज होते हैं एंटी कोलिक ड्रग सीओपीडी में पार्किंसन में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज साइकेट्रिक डिसऑर्डर डिप्रेशन मिड्रेस जो मिड्रेस है इसमें क्या होता है वो कोलनेजिक ड्रग हमारे क्या कर रहे थे मायोसिस कर रहे थे जो आँखों की पुतली थी वो सिकुड़ के छोटी हो जाती थी अब इस मिड्रेसिस में ये क्या होती है पुतली फैल जाएगी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एट्रोपिन यूज होता है एंटी कोलर्जिक ड्रग में सबसे ज़्यादा एट्रोपिन यूज होता है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैं पहले ही बता दिया था ये ब्लॉक करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर इनिवेट करेंगे निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर एक्शन याद रख लेना जो एसिटाइल कोलिन है न्यूरो ट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथिक ठीक है तो इनका जो ऑफ एक्शन है एक बार फिर से समझ लूँ नंबर वन इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन नंबर टू इनिवेट करेंगे एक्शन ऑफ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था वो मैंने पहले ही बता दिया था मतलब कि मैंने पहले बता रखा था आपको जैसे कि हार्ट रेट वो आपके कोल ड्रग क्या कर रहे थे डिक्रीज कर रहे थे मगर ये इनक्रीज कर देगा जैसे कि ट्रैकी कार्डिया और जो आई है उसमें मिड्रेसिस वो आँखों की पुतली को क्या कर रहे थे जो कोल ड्रग थे आँखों की पुतलियों को सिकड़ कर छोटा कर रहे थे ये क्या कर देंगे फैला देंगे आँखों की पुतली को और जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है जो कोलजिक ड्रग थे वो स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रेक्सन है उन्हें इंक्रीज कर रहे थे प्री स्टाइलिस मूवमेंट को इंक्रीज कर रहे थे मगर ये जो एंटी कोलनजिक ड्रग हैं जो स्मूथ मसल्स को क्या करेंगे रिलैक्स कर देंगे मतलब कि जीआईटी आई अपसेट हो जाएगा और जो ग्लैंड्स जो सिक्रेशन की बात कर रहे थे वो जो कोलर्जिक ड्रग थे आपके क्या कर रहे थे वो इनक्रीज कर रहे थे सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स मगर यहाँ ये क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं ग्लैंड्स का सिक्रेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं एट्रोपिन की इसका जो एबजॉपन होगा थ्रू जी आई टी एंड मेटाबोलाइज बाय लिवर एंड एलिमिनेशन होगा किडनी और बस आज के लिए इतना ही थैंक यू